मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सभी वर्ग बड़े दलों के टिकटों की मांग कर रहे हैं। फ्रंट फॉर ओबीसी राइट मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों से 126 सीटों की मांग की है। योगेश मानसिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में 54% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, लेकिन 2018 में सिर्फ 60 टिकटें ओबीसी वर्ग को दी गई, इसलिए इस बार ओबीसी को 125 टिकटें दिया जाए। वहीं प्रदेश संयोजक दामोदर सिंह यादव ने कहा कि 25 अगस्त को राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग का बड़ा महासम्मेलन होगा और जो दल 126 सीटें ओबीसी वर्ग को देगा, ओबीसी वर्ग उसी दल के साथ जाएगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आदरणीय योगेश कुशवाहा जी, जो कि प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं दामोदर सिंह यादव, जो कि यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हुई हूँ, और एक पॉलिटिकल लाइन से हट के लेकिन राजनीतिक हक पाने के लिए एक नया फ्रंट तैयार मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के सभी नेताओं से बात करके तैयार किया गया है। आप देख रहे होंगे फ्रंट फॉर ओबीसी राइट कर दिया, और इसका उद्देश्य निश्चित रूप से, जैसा कि इसके नाम में ही निहित है, कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों के द्वारा जितना हक मिलना चाहिए, चाहे विधानसभा का टिकट हो चाहे लोकसभा का टिकट हो, वो नहीं मिलता है। ये बात सत्य है कि दोनों ही दल, चारों पाँचों छः सात जितने भी दल हैं, मेरा दल भी, मैं कांग्रेस पार्टी का, आप सब जानते हो कि ओबीसी विभाग का वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरा दल भी निश्चित रूप से बात करता है कि हमें ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट देने का इस बार अवसर आएगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं प्रयास भी करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है, जो कि योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के वो लोग जो किसी भी दल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लोग अधिक संख्या में विधानसभा में पहुँचें, वो सारे लोग भोपाल में एकत्रित होने जा रहे हैं, और अब इस बैनर पे ये संघर्ष आगे चलता रहेगा। अब आगे योगेश कुशवाहा जी आपसे बताएंगे। ज्यादा आबादी है ओबीसी की मध्य प्रदेश में, विधानसभा में 116 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 125 टिकट मांग रहे हैं आप, यदि सरकारें नहीं देती है तो क्या ये जो ओबीसी का राइट संगठन है फ्रंट फॉर, वो चुनाव लड़ेगा 230 विधानसभाओं में? वो योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में संगठन जो निर्णय करेगा, मैं तो संगठन का हिस्सा रहूंगा, और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मेरी पार्टी में तो जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो कराऊंगा, और वो मेरा काम है। मेरे नेता से मैं झगड़ू लड़ू प्यार से स्नेह से हाथ जोड़ के कैसे भी कराऊं, वो मैं वहां कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन ओवरऑल बात देखिए, ओवरऑल एक बात को अगर समझा जाए तो बात यह है कि एससी और एसटी के भाइयों की सीटें आरक्षित, हम आरक्षित वर्ग के लोग तो हैं, योगेश कुशवाहा दामोदर यादव, हम आरक्षित वर्ग के तो कहलाते हैं, लेकिन ना लोकसभा में हमारे लिए सीटें आरक्षित है, ना ही विधानसभा में आरक्षित है। तो क्यों नहीं आरक्षित है? अगर नहीं आरक्षित है, आगे की लड़ाई तो हमारी ये भी होगी कि हमारी सीटें भी संख्या के अनुपात में आरक्षित की जाए, जिससे ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, झगड़ा ही नहीं रहेगा कल के दिन। और संख्या के अनुपात में तो तब आरक्षित करोगे जब संख्या घोषित करोगे, और संख्या घोषित तब कर पाओगे जब जातिगत जनगणना कराओगे, जिसको कराने को तैयार नहीं कोई भी सरकार है पार्टियां। लेकिन ये लड़ाई मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, मेरी जितनी आदरणीय योगेश कुशवाहा जी से और सब साथियों से बात हुई है, निश्चित रूप से सबके मन में पीड़ा है, किसी भी दल में कोई काम करने वाला ओबीसी का व्यक्ति हो, और सबको योगेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में भरोसा है, और निश्चित रूप से चूंकि वो कुशवाहा समाज के भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और कुशवाहा समाज एक लीडिंग समाज है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुसंख्यक समाज है, तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुँचेगी। 25 अगस्त को बड़े जनता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।